हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग सपना वस ब्लॉग। और नवरात्रे चल रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से जय माता की। और थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, 3-4 दिन हो गए हैं। डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, दिखा के आ रहे हैं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बुला हुआ है, लेकिन रेस्ट भी कहाँ होता है। चलिए पहले आपको भगवान से मिलवा देती हूँ। काम तो हो गया है घर में सारा, अब ये माता रानी के दर्शन कीजिए। जय माता की। और नेक्स्ट से भी मिलवा देती हूँ आपको, मैं आज नेक्स्ट से मिलवाती हूँ। आइए चलिए, उन्हें भी अपना लंच वगैरह कर लिया है, ये बैठा हुआ है इधर। नेक्स्ट, हेलो बोलो बेटा। हेलो बोला कर, कुछ तो एक्टिविटी करके दिखा अपनी मालकिन का। क्यों नाम डुबोरा है, हैं? कुछ तो करा कर के लोगों को, लोग सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, हैं? ऐसे ऐसे करता है, सारा घूरता रहता है, घूरता रहता है, घूरता रहता है, बताइए क्या करे। और किचन में दिखाती हूँ क्या बनाया है। और अभी कूलर में पानी भर देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बोला है, तो आराम ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी बैक में प्रॉब्लम है इस वजह से। और देखिए अप्रैल का महीना और गर्मी कितनी तेज है, धूप ही धूप। तो कूलर में पानी डाल लेते हैं, पहले देखेंगे लंच में दोपहर में क्या बनाएंगे। कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं और बेटी हैं, अभी तो ब्रेकफास्ट ही करा है, उसके बाद देखते हैं क्या। अभी तो भूख है नहीं, थोड़ी देर तक ये पानी का पाइप लग चुका है। और आप गाइस बताइए, मैम मैंने आपको शार्क टैंक का जो अपना नया ब्लॉग डाला है, कैसा लगा है? आप मानेंगे नहीं, उसकी जो प्रोडक्ट है शार्क टैंक के, बहुत ही अच्छे हैं, यूज़फुल हैं काफ़ी चीज़ें। और भी मैं रिव्यू दूंगी आपको, अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो जाए। आपको लग भी रहा होगा, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है ना पेन ज़्यादा है इस वजह से। देखते हैं और आज क्या करते हैं। अभी तो थोड़ा सा काम जो बच रहा है, कपड़े वगैरह वो लगा लें, तय तो कर दिए हैं, लगाने बाकी हैं। और बताइए आप, बाहर जाने का भी अभी कोई मूड नहीं है, कहीं नहीं जाना। हाँ, डॉक्टर के जाना है फिजियोथेरेपी पे, आपको चलूँगी दिखाऊँगी वहाँ पर फिजियोथेरेपी, फिर लेके चलते हैं आपको भी। फ़िलहाल अभी कुछ काम कर लेते हैं, पानी वगैरह भर के कूलर में, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। ओके गाइस, बाय। मैंने नाश्ते में तो बनाया है उत्पम, बनाया है विदाउट ऑनियन, ये बैटर है, ये सब्जियाँ काट रखी है, बटर है। मेरा तो हो गया, बेटा खा के चला गया है, हस्बैंड भी नाश्ता करके गए हैं, खाना नहीं बनाया है क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। आप देख सकते हैं घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सफाई वगैरह सब हो चुकी है। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज़, कपड़ों का ढेर, इतना सारा कपड़ा तय लगाया गया है, अभी ये अलमारी में जाएगा सारा। ये किसके, ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े हैं मेरी बेटी के, इससे 4 गुना कपड़े अलमारियों में और रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी सुनने को मिलता है मम्मी कपड़े नहीं हैं क्या पहने। चलिए आगे चलते हैं गाइस। बिटिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, वो तो कम बन गया है, उसके लिए हम सब तो खा चुके हैं, चलिए उसको देते हैं। ये उसका उपम है, साथ में रूबजा का दूध है, चटनी है, केचप है, लीजिए खाइए ब्रेकफास्ट। और आपको पता है आज निक्स ने क्या करा है? दंगा। आज जो मैं इसकी धुनाई करूंगी ना, अभी पहले मैं जरा नाश्ता बना दूं। बेटा जो तूने दंगा करा है ना, आज तू पिटने वाला है, अभी रुक जाए जरा, मैं इसको ब्रेकफास्ट दे दूं, उसके बाद तो तेरी तुड़ाई होनी है ना। ये भोली शक्ल, मासूम चेहरा, इसके पीछे का शैतान दिखाऊंगी आज मैं अपने व्यूअर्स को, सारे आप सब देखिएगा इसने क्या करा आज। तो गाइस फाइनली लंच टाइम हो गया है, खाना खाया जा रहा है, कढ़ी चावल। सब्जी कोई सूखी बनाई नहीं है, ये कढ़ी चावल ही भाभी के घर से आए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, आपको लग रहा होगा फेस से भी कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी लंच करने के बाद डॉक्टर के जाना है 5 बजे, वहाँ पे जाने के बाद
डॉक्टर को दिखाना है, कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह होनी है क्योंकि डिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसकी वजह से। पहले लंच कर लेती हूँ, निक्स को खाना खिला दिया था, बेटी ने भी खा लिया है। देखते हैं खुद बनाएंगे रात को या फिर मम्मी के घर से आएगा तो खाना खा लूँ और उसके बाद आपको सीधा डॉक्टर के यहाँ मिलती हूँ। फिजियोथेरेपी कराने आए हैं हम तो थके हैं। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पैरों में वैक्यूम लगा हुआ है क्योंकि कमर और पैरों में दोनों में प्रॉब्लम बढ़ गई है, इस वजह से फिजियोथेरेपी चल रही है पैरों की भी और कमर की भी। देखते हैं कितना टाइम लगता है ठीक होने में। आपको मिलती हूँ अपने घर जाने के बाद। फाइनली फिजियोथेरेपी करवा के और घर का सामान लेके आप देख सकते हैं घर पे पधार चुकी हूँ। साथ में नौकर को लेके गई थी, सामान सारा उठा के लाया क्योंकि मैं तो ला नहीं सकती थी इतना सारा सामान। तो अभी ऊपर आई हूँ, निक्स को भी बिस्किट दिए हैं, इसके बिस्किट ख़त्म हो रहे थे। ये अरे बिस्किट हैं इसके, इसका ये भी इसके लिए लेके आई हूँ। देखिए बहुत सारे हैं और थोड़ा सा अभी बैठते हैं, पानी वगैरह ठंडा वगैरह पीते हैं, उसके बाद देखती हूँ क्या खाना बनाना है। डिनर डिनर बनाने के बाद आपको मिलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि थकान ज़्यादा जाती है, दर्द ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर ने वैसे भी रेस्ट करने को बोला है। तो चलिए अभी खाना बनाती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। क्या खा रहा है ये? क्या खाया निक्स ने? क्या करा है इसने? ये रबड़ खा जाएगा फिर से। ये क्या है? ओए क्या करा है तूने? ये इतनी महंगी ली तूने, खा ली तेरे को शर्म नहीं आती है भाई? नहीं इसके पैसे तेरी माँ देगी या तेरा बाप लेके आएगा? मुझे ये बता ये क्या करा है तूने मुझे? आज आज इसकी पिटाई करनी जरूरी है, इसको संभाल के नहीं रख सकते तुम लोग? इसे लगा कान पे, लगा इसके एक कान पे लगा, बदतमीज गंदा बच्चा, नुकसान कर दिया मेरा। अभी रुक जा तेरे को मैं बताती हूँ, डांट उसको, इतना बड़ा हो गया है। इस लड़के ने ना निक्स ने जो दंगा करा है मैं बता नहीं सकती हूँ। इसने मेरी इम्पोर्टेड लीड खा गया, इसकी जो ठुकाई करनी है ना आज मैंने, देखना आज इसकी ठुकाई होगी पक्का। मैं इतनी महंगी, एक तो मैं संभाल के रखती हूँ, 5 मिनट पलंग के ऊपर क्या छोड़ के चली गई खाना बनाने किचन में, इसको मौका मिल गया और इसने इसके आगे की दोनों के ईयरबड्स खा के कुचुम्बर निकाल दिया है। अब देखते हैं, अब मैं आप ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे डिनर भी बनाना है। मैंने खाना तो बना लिया है, खाने में मैंने बनाया आलू छोले की सब्ज़ी और रोटी। तो अब हम खाना खाते हैं, आप भी अपना डिनर एंजॉय करिए। आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। ओके गाइस बाय।